अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमारा होंडा सिटी के रिगार्डिंग। ये रही जी माशाल्लाह से होंडा सिटी। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि इस पर सैंडिंग वगैरह अप्लाई हो रही थी, और अभी इस पर आप देख सकते हैं अंदर भी जो है प्रॉपर बेस कोट अप्लाई कर दिया गया है। ये देखें जी, थोड़ा क्लोजली देख लें, फिनिशिंग अच्छी आ गई है माशाल्लाह से। अभी तो ये कि इस पर मज़ीद सैंडिंग हो जाएगी और ज़बरदस्त हो जाएगा, और पेंट के लिए रेडी होनी है इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसी के साथ कुछ लोग पूछ रहे थे कि कब तक रेडी होनी, बस अनकरीब अब पेंट के लिए फाइनली हो रही है। तो इसमें ये कि पहले इंजन बे को तो पेंट नहीं किया जा रहा, तो रूम और झड़पें होंगी, पर इसी के साथ शायद बैक फेंडर और ट्रंक भी हो जाएगा, स्पीकर बोर्ड वगैरह। पीछे से अभी प्रोग्रेस जो जा रही है आप देख सकते हैं, इसके अंदर पुटीन वर्क अप्लाई कर रहे हैं जो हमने जॉइंट्स लगाए थे, और ये वाली जगह पे थोड़ा सा था मसला, उसको भी कवर कर दिया गया है, बेस उसकी ठीक कर ली है, और अंदर की तरफ से पिलर यहाँ पे भी सैंडिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। पुटीन अप्लाई कर दी है, इससे ये कि फिनिशिंग मज़ीद बेहतर हो जाएगी। पिछली जो बेस आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जहाँ पे जॉइंट थे वहाँ पे पुटीन अप्लाई कर दी गई है, सैंडिंग हो रही है। इस साइड में अगर आप देखें तो सैंडिंग का काम साथ साथ चल रहा है। उसके अलावा दूसरी हम आगे ड्राइवर साइड पर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइमर अप्लाई कर दिया गया है, पैनल्स वगैरह हमारे पिलर सारी चीज़ें माशाल्लाह से फाइनल हो चुकी हैं। ये रहा इसका बाकी सामान, तो बस अब अनकरीब होती है फाइनल पेंट वाला काम हो जाए तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं पेंट की क्वालिटी वगैरह कैसी होती है। नेक्स्ट डे होंडा सिटी का आपको दिखाते हैं। नई प्रोग्रेस में ये है कि आप स्पीकर बोर्ड वाली जगह देखें, यहाँ पर भी प्रॉपर मेरा अप्लाई कर दिया गया है एंटी रस्ट वाला। इस साइड पे भी हो गया है जहाँ पे वो जॉइंट्स थे और पुटीन का थोड़ा बहुत काम हो रहा था उस दिन, आपने देखा था बैक, ये जो बम्पर की बैक शील्ड जो है उस पर भी प्रॉपर काम करके इस पर भी अप्लाई कर दिया गया एंटी रस्ट। इसके अलावा नई प्रोग्रेस में आगे अंदर की तरफ भी है, तो इसमें आप देख सकते हैं अंदर ट्रंक में नमदे लगा दिए गए हैं। ये सुबह ही आए हुए थे भाई, और ये वाला सारा काम माशाल्लाह तरीके से हो गया। आगे फ्लोर वाले नमदे जनमन लगे हुए और वो बिल्कुल ठीक कंडीशन के हैं, इसलिए उसको छेड़ा नहीं गया। इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी जगहें आपको नज़र आ रही होंगी, वहाँ पे सीलेंट वगैरह लगना है, प्रॉपर तरीके से उसको कवर करेंगे और मज़ीद आगे का काम होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है और इस वक्त आगे क्या है इसके हवाले से काम चलना है, वो ये कि अभी आप देख सकते हैं नीचे से सस्पेंशन खोली जा रही है, नीचे की गाड़ी और सलान खोल रहा है, ये देखें जी पीछे से। तो अब ये सारे सामान को खोलेंगे, इसको नीचे से प्रॉपर क्लीन अप करना है। हैंगर के पास लगाई है तो इसको हैंग करेंगे नीचे से पूरा, इसको वॉश करके प्रॉपर तरीके से, तो इस पर एंटी रस्ट अप्लाई किया जाएगा। जहाँ पे सीलर वगैरह लगना होगा वो सील वाली जगह पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बाकी जैसे फ्लोर वर्क होता है प्रॉपर तरीके से, वो करने के बाद नीचे से कोटिंग करेंगे। मीन वाइल ये कि इंशाल्लाह बस ये जल्दी से काम वाइंड अप हो, तो कम से कम इसका फ्लोर वर्क तो हो चुका होगा। उसके ईद के फौरी बाद इस पर मेरा ख्याल प्रॉपर पेंट जॉब हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, पर जहाँ तक मुझे समझ आ रही है अभी काम की तो इतना टाइम लगेगा ज़रूर कि ये ईद के बाद ही प्रॉपर पेंट होगी। तो इंशाल्लाह फर्दर प्रोग्रेस आपको दिखाएंगे जब अब ये फ्लोर वर्क होता रहेगा साथ। आगे की प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, नेक्स्ट डे के अंदर होंडा सिटी को हैंग कर दिया गया है जी, हैंग हो गई है प्रॉपरली, और अंदर से नीचे से सारी सस्पेंशन भी निकाल दी गई है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं रस्ट वाला जो मसाइल है इसको प्रॉपरली क्लीन अप करना पड़ेगा। ये वैसे चिप ऑफ टाइप्स है, उसमें आप नहीं कह सकते, यानी ऊपर रस्ट है अंदर नहीं गया हुआ। तो ये मेन जो गाडरियाँ होती हैं इसके अंदर है, इसको क्लियर कर लिया जाएगा, इसकी प्रॉपर सफाई होनी है, फिर इसको एंटी रस्ट अप्लाई करना है, फिर जो सिलिकॉन वाली कोटिंग है वो भी करनी है, उसके बाद पेंट भी हो जाएगी, तो ये इंशाल्लाह प्रॉपर कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। नीचे से अभी कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी गंदी हुई भी है गाड़ी, ज़ाहिर है वो मिट्टी वगैरह बारिश में चलती रही है, नीचे से कंडीशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ फर्शों में भी थोड़ा बहुत आया हुआ है रस्ट, जहाँ जहाँ पे उसको क्लियर कर लेंगे करामत भाई। यहाँ से आप देखें ये वाली जगह पे तो अच्छा ये पाइप टाइप होता है और उसका आ जाता है,
फ्रंट में अब मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, मगर आप वहाँ से देखें तो गाड़ी जो है जहाँ पे सस्पेंशन टाइट होती है उस पे भी काफ़ी रस्ट आया हुआ है, तो उसको भी साफ़ करके पेंट कर देना चाहिए ताकि आगे ना बढ़े, क्योंकि फिर बाद में तो ये ख़राबी हो जाती है, उसका फिर दूसरा हल नहीं होता चेंज किए बग़ैर। होंडा सिटी की नई अपडेट्स में आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये इसका बोनट है, इस पर पेंट डल चुके हैं, अंदर वाली जो जगह है उसको हम कवर कर रहे हैं। ये इसका पड़ा हुआ है फ्रंट का बम्पर, ये देखें जी फ्रंट का बम्पर आ गया। इसके बाद जी ये हमारा बोनट है, और इस साइड में आप देख सकते हैं इसके चारों दरवाजे पड़े हुए, फरियाद भाई भी बैठे हुए। ये इसके दरवाजे भी, ये वाले आप देखें कंप्लीट अच्छे तरीके से पेंट हो चुके हैं, ज़बरदस्त काम हो रहा। अब गाड़ी को कहाँ तक पहुँची वो भी अभी आपको दिखाते हैं, वहाँ पे डेंटिंग सेक्शन में वहाँ चलते हैं। डेंटिंग सेक्शन के करीब आ गए हैं, ये इसके फेंडर हैं और ये इसकी ट्रंक है, तो माशाल्लाह से ये भी पेंट हो चुकी है, आप देखें पेंट अच्छा हो गया माशाल्लाह से ज़बरदस्त। वो एक फेंडर वो रहा, दूसरा फेंडर ये रहा। और गाड़ी कहाँ पे है जी, गाड़ी हमारी यहाँ पे है। इसकी नई प्रोग्रेस अभी जो है इस पर आप देख सकते हैं, नीचे एंटी रस्ट वाला जो प्राइमर होता है वो लगा दिया गया है, ये देखें तो अच्छी तरह प्रॉपर कवरिंग होगी माशाल्लाह से। अभी अभी अप्लाई की है तो बहुत ज़्यादा तो मैं आपको क्लोज़ नहीं दिखाऊँगा, अभी वेट है, ड्राई होएगा और इस पर मज़ीद कोट होने, अभी सिंगल मेरा ख्याल एक कोट लगाए या दो कोट लगाएं, इसके अलावा अभी छोड़ना है इसको ड्राई होने के लिए। एक तो बारिश भी है और मौसम भी ज़रा ऐसा हुआ हुआ है कि इसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा ड्राई के होने के लिए, प्रॉपर एक टाइम देना पड़ेगा। नीचे आगे तक इस पर अप्लाई कर दिए, वो देखें मज़ीद कोट अप्लाई होंगे तो प्रॉपर अच्छे तरीके से हमारी कवरिंग हो जाएगी, तो इंशाल्लाह बॉल जेल देखेंगे इसकी नई अपडेट्स मज़ीद आगे की, जिसमें इंशाल्लाह इसकी सस्पेंशन फिट होनी है, कोटिंग हो जाए। अच्छा नीचे हमने सिलिकॉन वाली कोटिंग भी करनी है, फिर सस्पेंशन शायद पेंट होनी है या नहीं उसका मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि पीछे वाली तो खोली हुई है, फ्रंट वाली शायद जुड़ी रहेगी, उसको नहीं छेड़ा जाएगा, तो इसके बाद सस्पेंशन सारी फिट होगी और इंशाल्लाह रेडी टू पेंट वाली कंडीशन में आ जाएगी। फिर उसमें हमने सबसे पहले इसकी जड़ पे पेंट करनी है, फ्लोर पेंट करना है, ये देखें फ्लोर वगैरह पेंट होना है, नमदे आपको दिखाए थे डल गए थे ट्रंक में, और इधर पीस वगैरह लगा था बाकी जेन्युइन है नमदा। अभी तक की अपडेट्स होंडा सिटी के रिगार्डिंग यहाँ तक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना रखें ख्याल, चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर होगी मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।